25. रिक्वेस्ट की कि आप इस मसले में पेशरफ्त करें, तो उनका कहना था कि मैं मतलब इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा, वज़ीर आज़म को इसको फॉरवर्ड करूंगा, वो इस पर मतलब कोशिश करेगा। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट यही की थी कि हम 7 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, हक ये है कि आप हमें बुलाए, वज़ीर आज़म हमें बुलाए, हमें सुने, हमें यकीन दहानी कराए, बजाए आपके ज़ुबानी की यकीन दहानी की। आप हमें कह रहे हो कि वो उसने मुझे कहा कि आप इनसे मुलाकात करो, तो हमने कहा कि अगर वो यहाँ पर दूसरों के साथ मुलाकात कर सकता है तो लवाइकिंग का यही मौकिफ है कि हम उनसे मुलाकात करें। तो ऑर्गेनाइजेशन का फैसला यही था कि हम प्रेस क्लब जाएंगे, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पाबंद है, जो लवाइकिंग जो बूढ़ी माँ है हमारे साथ आई हुई है, ऑर्गेनाइजेशन उनका पाबंद है। हमने उनके साथ बातचीत की तो उनका कहना है कि हम किसी मिनिस्ट्री के पास नहीं जाएंगे, हम किसी दिगर हुकूमती इदारों के पास नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर बैठेंगे, अगर वज़ीर आज़म हमसे मुलाकात करता है ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं। आखिर में कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता। तो अगर वो हमारे साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम कैसे यहाँ से उठ सकते हैं? वो वजीर दाखिला है, अगर वो कमिटमेंट नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे हमारे साथ? तो हम यहाँ पर बैठे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो हमारे साथ कमिटमेंट करते तो हम यहाँ से चले जाते। अब हम वहाँ पर जाएंगे, 6 दिन से हम वहाँ पर बैठे हैं, क्यों हमें कोई सुनने वाला नहीं हुआ? आज हम यहाँ पर बैठे इसलिए ये 4 रोड हमने बंद किए हैं, इसलिए जो है हमारे पास लोग मिलने आ रहे हैं। वहाँ पर हम नहीं सुनाई दे रहे थे, यहाँ से हम कितने जो है किलोमीटर का फासला है, हम वहाँ पर बैठे थे, किसी को हमने सुनाई दिया नहीं ना। बात यही है कि हम आज यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए अगर हम ये जगह छोड़ेंगे जिस तरह जो है 3 हुकूमतों ने वादे किए फिर अपने वादों से मुकर गए, इसी तरह ये भी भूल जाएंगे।